साथियों, सिंचाई के अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर के दूसरे क्षेत्रों में भी अभूतपूर्व निवेश बीते 5 वर्षों के दौरान गुजरात में हुआ है और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के निर्माण की रफ्तार भी बढ़ी है। अहमदाबाद में मेट्रो सहित आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अनेक प्रोजेक्ट्स तेजी से पूरे हुए हैं। बड़ौदा, राजकोट, सूरत और अहमदाबाद के एयरपोर्ट्स को आधुनिक बनाया गया है। इसके अलावा धौलेरा एयरपोर्ट और एक्सप्रेसवे की मंजूरी द्वारका में, जैसा विजय जी ने बताया, वहां एक पुल का निर्माण बेट द्वारका के लिए, रेलवे यूनिवर्सिटी, मैरिटाइम म्यूजियम, मरीन पुलिस एकेडमी, गांधी म्यूजियम, ऐसे अनेक कार्य जो गुजरात में इन 5 वर्षों में हुए हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ने तो दुनिया के टूरिस्ट मैप में भारत को और अधिक सम्मान देने में मदद की। विश्व के नोन मैगजीन्स, खास करके टूरिज्म सेक्टर से जुड़े हुए, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की चर्चा अवश्य करते हैं। और मैं अभी थोड़े दिन पहले पढ़ रहा था और मुझे खुशी भी हुई कि जन्माष्टमी के दिन 34,000 लोग स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार साहब को के दर्शन करने के लिए लोग पहुंचे थे। एक दिन में 34,000 लोगों का जाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है।